गोरखपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ चिल्लूपार इलाके की एक शादी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ 40 साल के शख्स की शादी 10 बच्चों की माँ से हुई है। महिला के पति की 6 साल पहले मौत हो चुके हैं। दोनों पिछले एक साल से फरार थे। इनके शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि देवरिया जिले के रहने वाले शख्स का संबंध गोरखपुर जिले की बहरगंज क्षेत्र की रहने वाली 42 साल की विधवा महिला से हो गया। काफी दिनों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते दिनों दुल्हन के गांव आने पर बच्चों द्वारा इसकी भनक गांव के लोगों को लग गई, जिसके बाद गांव स्कूल में पंचायत हुई और शुक्रवार को दोनों की शादी गांव के ही शिव मंदिर में करा दी गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि महिला के पति की मौत 6 साल पहले हो चुकी है। दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों बीते एक साल से फरार थी। दोनों को बुलाकर पूछताछ की गई और फिर पंचायत हुई। शुक्रवार को गांव के शिव मंदिर में दोनों की शादी करवा कर एक दूसरे को वरमाला पहनाया दिया। बता दें कि गांव वालों ने कहा दोनों के बीच लगभग पिछले 5 साल से प्रेम संबंध चल रहा था, जबकि 1 साल से दोनों फरार थे। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और मंदिर में ग्रामीणों की मौजूदगी में शादी करा दी गई। इस रिश्ते से दोनों खुश हैं। वहीं गांव के ही कॉलेज में विवाहित जोड़े को नौकरी दे दी गई। वहीं गुरुकुल संस्थान समूह के आवासीय परिसर में उन्हें रहने के लिए जगह भी दी गई। दोनों खुशी खुशी चले गए। लोगों ने कहा कि सबने मिलकर एक नेक काम किया है। महिला बेघर थी, उसे घर मिल गया। अनाथ 10 बच्चों को पिता का साया मिल गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। घर चले मन से उजाला, घर चले एक अमर उजाला, घर चले।